हार जीत बाद की बात, लेकिन आज जो मैच खेला गया नेपाल वर्सेस नामीबिया के बीच T20 मैच, एकदम दिल दहला देने वाला मैच, लास्ट तक सांस को टिक्कर रखने वाला मैच, या फिर ऐसे कहें कि डर बना देने वाला मैच। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये मैच घटा है, किस तरह से सांसें रुकी की रुकी रही हैं, चाहे वो नेपाल का फैंस हो, चाहे वो यहाँ पे नामीबिया का फैंस हो, या फिर चाहे वो बैट्समैन हो किसी भी टीम का, या फिर बॉलर हो। ऐसा ही यहाँ पे मैच कई कई बार देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा मज़ा ऐसे ही मैचेस के अंदर आता है, जीत हार बाद की बात होती है, ऐसे मैच देखने को बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं इसी मैच के बारे में, और तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले नेपाल ने दो मैच गवा दिए हैं इस T20 के अंदर, और इस मैच के अंदर नेपाल को पहले बैटिंग करने का मौका मिला। आज कुशल भोटेल जो कि पहले चले नहीं थे, उनको मौका नहीं दिया गया, उनकी जगह फिर वापस लाया गया अनिल कुमार शाह को, और उन्होंने 23 रन की पारी खेली है, 3 छक्के लगाए 17 गेंदों के अंदर। आसिफ शेख एक बार फिर से नाकाम रहे, 2 गेंदों में 1 रन बनाया। रोहित पोडेल ने 10 रन लगाए, 9 यहां पे बॉलों के अंदर 2 चौके उनके बल्ले से निकलकर सामने आए। गुलशन झा ने खेली 26 रन की पारी, वो भी 16 गेंदों के अंदर, 3 छक्के उन्होंने लगाए, 1 चौका भी उनके बल्ले से आया। रिप शेख ने 31 रन की पारी खेली 24 गेंदों के अंदर, 4 चौके उनके बल्ले से आए। कुशल मल्ला ने लगाए 55 रन, वो भी 37 गेंदों के अंदर, 1 चौका उनके बल्ले से आया और 4 छक्के उन्होंने लगाए। दीपेंद्रा सिंह एक बार फिर से यहाँ पे छाए, 8 गेंदों में 16 रन बनाए, 2 चौके, 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। करण केसी ने बनाए 7 रन, तो वहीं पे सोमपाल कामी ने बनाए 2 रन, और प्रतीश जीसी ने एक बॉल में 1 रन बनाया। एक्स्ट्रा रन आए यहाँ पे 8, और इसी की तरह से यहाँ पे जो नेपाल है वो 20 ओवरों के अंदर 8 विकेट खोकर 180 रन बना लेता है। यानी कि अब जीत के लिए नामीबिया को चाहिए थे कुल मिलाकर यहाँ पे 181 रन, और जवाब में उतरी नामीबिया की टीम। से कई पारियां अच्छी भी आई, जैसे कि जैन की 25 रन की पारी, इसके साथ साथ जैन इसकी जो फ्लिंक किक है उन्होंने 37 रन की पारी खेली। स्मिथ जो कि कैप्टन है 50 रन की पारी खेली, इसके साथ साथ जैन ग्रीन ने 27 रन की पारी खेली। कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि अच्छी पारियां उनके यहां से भी आई, इसीलिए तो लास्ट ओवर तक ना केवल अड़ा रहा मैच बल्कि एकदम कांटे की टक्कर, कोई भी जीत सकता था ऐसे वाला मैच बनकर खड़ा हुआ। मैं आपको बता दूं कि नेपाल के बॉलर्स जिन्होंने यहां पे करण केसी की अगर बात करी जाए तो 4 ओवरों में 49 रन खर्च कर 2 विकेट लिए, वहीं पर सोमपाल कामी ने 4 ओवरों में 34 रन खर्च करके 2 विकेट लिए। दीपेंद्र सिंह एरी ने लगातार 2 विकेट लिए, 4 ओवरों के अंदर उन्होंने भी 2 विकेट लिए, लेकिन एक ही ओवर के अंदर 29 रन खर्च किए, अच्छा कार्य किया ऐसा कह सकते हैं। रोहित पोडेल को विकेट मिला नहीं, एक ओवर में 5 रन दिए। प्रतीश जीसी ने यहां पे 3 ओवरों में 26 रन खर्च किए, तो वहीं पे अविनाश बोहरा को मिला लास्ट ओवर, या फिर ऐसे कहें कि लास्ट के अंदर जाकर कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करके दिखाया है। कुल मिलाकर 4 ओवरों में उन्होंने 32 रन दिए और 1 विकेट भी लिया, और लास्ट ओवर के अंदर जब यहाँ पे पहले 6 विकेट थे, तो जब रन चाहिए थे लास्ट 2 गेंदों में 8 रन, तो 1 विकेट और ले लिया गया, वो एक सबसे अच्छा मेरे को लगा। 7 विकेट गिरा लिए गए, उसके बाद जीतने के कोई चांस थे नहीं, और लास्ट में यहाँ पे एक चौका भी लग गया था लास्ट बॉल के ऊपर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और नेपाल इस तरह से इस मुकाबले को कहीं ना कहीं 3 रन से जीत कर यहाँ पे इस जो श्रृंखला है जिसमें पहले नामीबिया के खिलाफ हारा था, फिर नेदरलैंड के खिलाफ हारा था, अब यहाँ पे नामीबिया के खिलाफ जीत दर्ज करी है, वो कहीं ना कहीं ओपनिंग करवाता है, वापिस से उस रिदम को लाने में मदद करेगा। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि हार का सामना करना पड़ रहा था नेपाल की टीम को, पहले 2 हार का सामना करना पड़ा यहाँ पे जो क्वालिफाई लेवल चल रहा था CWC का उसमें, और अब यहाँ पे आते ही जो T20 है उसके अंदर भी 2 हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार हमें जीत मिल गई। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, रखता है गुने अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।